नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव 2024 में 4 विधायक जो हैं वो सांसद बन जाते हैं। बिहार में उपचुनाव जो हैं वो 13 नवंबर को होंगे और नतीजे जो हैं इस उपचुनाव के 23 नवंबर को आ रहे हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जिन्हें चुनाव लड़ना है ऐलान कर दिया गया है कौन कौन उनके उम्मीदवार हैं। एक सीट रह गई थी जेडीयू वाली, यानी कि बेलागंज वाली सीट, कि बेलागंज से जेडीयू के उम्मीदवार कौन होगा। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे जिस नाम की, उसी नाम पर मुहर लगी है। करीब एक महीना पहले हमने ये बता दिया था कि यही जो है वो उम्मीदवार होंगी और हमारी खबर पर भी मुहर लगती हुई दिख रही है। जेडीयू की तरफ से ऑफिशियल लेटर जो है उम्मीदवारी को लेकर जारी कर दिया गया है और ये लेटर स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं और देखिए स्क्रीन पर किसका नाम चल रहा है। जेडीयू की तरफ से बेलागंज में उम्मीदवार इस बार हैं मनोरमा देवी। मनोरमा देवी जो हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार जो हैं वो होंगे। 4 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन और एनडीए में जो है वो जेडीयू, और जेडीयू 4 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सिर्फ एक सीटों पर जो है वो चुनाव जेडीयू लड़ रही है और वो है बेलागंज। और बेलागंज में जो है वो जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार जो हैं वो मनोरमा देवी जो हैं वो होंगी। तो दूसरी तरफ जो उम्मीदवार जो हैं वो बेलागंज से वो विश्वनाथ यादव हैं। तस्वीरें हम उनकी भी चला रहे हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव से टिकट लेते हुए विश्वनाथ यादव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। पीला वाला लिफाफा जो है वो लेते हुए विश्वनाथ यादव जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। बेलागंज के लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि विश्वनाथ यादव जो हैं वो सुरेंद्र यादव के बड़े बेटे हैं। सुरेंद्र यादव बेलागंज से 8 बार जो है वो विधायक रहे हैं। पिछली दफ़ा जब साल 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सुरेंद्र यादव बेलागंज से हाई मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। करीब 23-24 हज़ार से तकरीबन वो जो है वो जीत का अंतर जो है उस वक्त रहा था। और इस बार भी विश्वनाथ यादव की तैयारी जो है वो मुकम्मल सी लग रही है। हालांकि मनोरमा देवी भी पीछे नहीं है, वो भी काफ़ी महीनों से जो है इस चुनाव की तैयारी जो है वो करती हुई क्षेत्र में दिख जो है वो रही थी। तो कुल मिला के हैं कि 4 सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं उम्मीदवारों का ऐलान सभी सीटों पर कर दिया गया है। 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है जब उम्मीदवार जो है, आखिरी दिन है ये दिन जब उम्मीदवार जो है अपना नॉमिनेशन करेंगे। इसके बाद कोई नॉमिनेशन जो है वो अब उपचुनाव को लेकर नहीं किया जाएगा। महागठबंधन हो चाहे एनडीए, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बेलागंज से उम्मीदवार होंगी, महिला उम्मीदवार होंगी मनोरमा देवी। फिलहाल अब तो के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।